अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पालक पत्ता चाट बनाने की तैयारी। ये हमारे शेफ है मिस्टर भगत जी, देख सकते हैं आप, ये लगे पड़े हैं बैंचों गधे घोड़ों के तरीके से। और ये यहाँ पालक पत्ता रख दिया इन्होंने, ठीक है, पेड़ करके सारा कि जी बनाना है वो हमें। ये हमारा फ्रायर वगैरह सब चालू कर रखा है इसमें, यहाँ स्टार्ट कर दिया सारा का सारा। अब लगते हैं पालक पत्ता चाट बनाने के लिए। शाम को गेस्ट भी आने हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है। उसके बाद हमने यहाँ पिज़्ज़ा बेस बनाए, काफ़ी सारे बना के रख दिए यार ये। शाम को भैंस ये भी ख़त्म हो जाएंगे, डेली का एक ही चोचला भैंस। सुबह मीज़ा करो, शाम को बेको, दिन में रेस्ट मिलता नहीं है, रात को ठीक से सो नहीं पाते। घर पे जाते हैं तो अलग कलेश, बाहर आओ तो अलग कलेश, यहाँ आओ तो काम करो, घर जाओ तो खर्चे की बात सुनो। बस इसी में ज़िंदगी बीत रही है, शेफ शेफ रह गए खाली, और कुछ होता नहीं हम लोगों से। वो बंदा देखो अब पालक पत्ता चाट के लिए बैटर बनाने में लगा पड़ा है, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, रात को जाएगा यहाँ से 1 बजे, उसके बाद सोएगा थोड़ी देर, सोने के बाद फिर सुबह की मॉर्निंग के शिफ्ट में आ जाएगा, आने के बाद फिर यहाँ गधे घोड़ों की तरह काम करेगा, उसके बाद फिर ब्रेक में फिर जाके वहाँ जाके वहाँ फिर सो जाएगा, फिर शाम को आएगा फिर गधे घोड़ों की तरह लगा रहेगा। ऐसे करते करते 3 साल हो गए उसे भी, और ऐसे करते करते हमें भी 3-4 साल हो गए, और अभी भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। साला कहने लायक ये होता है, कहने के लिए शेफ है, और कहने लायक ये होता है कि कोई किसी के सामने कह नहीं सकते कि सैलरी इतनी मिलती है।